शाहरुख खान की पठान फिल्म की रिलीज में कुछ ही दिन बचे। 10 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाना है। पहले से ही बेशर्म रंग गाने को लेकर काफी विवाद हो चुका है। पठान फिल्म का बहिष्कार तेजी से हो रहा है। गुजरात के सिनेमा घरों में जब से हंगामा हुआ है, तब से सिनेमा घर के मालिक भी पठान फिल्म को लेकर थोड़ा सा सख्ते में आ गए। ऐसे में हर दिन पठान फिल्म को लेकर ट्विटर पर हैशटैग्स चलते रहते हैं। कभी पठान फिल्म के चाहने वाले हैशटैग चलाते हैं, तो हर रोज पठान बॉयकॉट हैशटैग तो चलता ही रहता है। ऐसे में काफी ज्यादा विरोध होने के बाद ट्विटर पर शेम ऑन शाहरुख खान चल रहा है, जहां पर लोग शाहरुख के पुराने बयानों और पुराने विचारों और उनकी फिल्मों के कारण अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। शेम ऑन शाहरुख खान ये कुछ नहीं बल्कि शाहरुख खान के खिलाफ और उनकी फिल्म पठान के खिलाफ चलाया जाने वाला ही ट्विटर ट्रेंड है। दर्शक इस ट्रेंड के माध्यम से शाहरुख खान के पुराने विचारों और फिल्मों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। शाहरुख खान शर्म करो बॉलीवुड की गंदगी, ये ट्रेंड ट्विटर पर लगातार चलता रहता है। लोग जमकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शाहरुख खान एंड शाहिद कपूर इंसल्टेड सुशांत सिंह राजपूत इंटेंशनली एट एन अवार्ड फंक्शन। कम ऑन गाइज, लेट अस शो देम देयर रियल औकात। शेम ऑन यू बॉलीवुड। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, शाहरुख खान सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड टेररिस्ट एंड सेड आर इंडियन आर्मी फेल्ड टू प्रोटेक्ट द टेररिस्ट अटैक। इट्स शेमफुल स्पीच। शेम ऑन यू शाहरुख। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, बॉयकॉट शाहरुख खान, एनी मूवी रिलीज्ड अंडर रेड चिलीज, फुल प्रोटेस्ट कर दो, छूटना नहीं चाहिए, बॉयकॉट SRK। वही एक और यूजर ने लिखा, बॉयकॉट बॉलीवुड फ्रॉम मॉकिंग सैफरन साधुस टू शोइंग देम एज विलन्स, नाउ बॉलीवुड फॉलिंग एट द फीट ऑफ योगी जी, शेम ऑन शाहरुख खान। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, शाहरुख खान यार थोड़ी तो ह्यूमैनिटी दिखाओ, जिस मुल्क ने तुम्हें इज्जत दी, रुतबा दिया, पैसा और शोहरत दिया, आज जब उस मुल्क को जरूरत है तो तुमने क्या दिया, शेम ऑन शाहरुख खान। तो देखा आपने, लोग अब किस कदर शाहरुख का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि आखिर शाहरुख खान जिस तरह से बेशर्म रंग गाने में अश्लीलता परोस रहे हैं, उससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। एक बार फिर से ये आवाज उठ रही है, जब लोगों को लगने लगा कि बॉलीवुड वाले समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में जिस तरह से दीपिका पादुकोण डांस कर रही है और जिस तरह के कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहन रखे हैं, लोगों को वो अश्लील लग रहा है। और लोगों का मानना है कि ये बॉलीवुड की गंदगी है जिससे शाहरुख खान को शर्म करनी चाहिए, जो अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा ऐसा कंटेंट ही पेश करते हैं और उनकी फिल्में देखने से समाज पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा शाहरुख खान का इंटॉलरेंस वाला बयान भी खूब वायरल हो रहा है, और साथ ही दीपिका पादुकोण के साथ काम करने पर भी शाहरुख खान ट्रोल हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि दीपिका पादुकोण उन लोगों के साथ खड़ी थी जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में शाहरुख खान का उनके साथ काम करना और उनके इनटॉलरेंस के बयान के कारण लोग शेम ऑन शाहरुख खान नाम से ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। ऐसे में देखना यह होगा कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बिजनेस करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।